हल्द्वानी शहर की आबादी करीब 6 से 7 लाख है और हल्द्वानी मुखानी चौराहे के पास शिव का प्राचीन मंदिर स्थित है। यह मंदिर करीब 150 साल पुराना है। यह मंदिर पीपल के पेड़ के नीचे स्थित है। भगवान शिव के इस प्राचीन मंदिर पर लोगों का अटूट विश्वास और अटूट आस्था है। यही कारण है कि यहाँ सुबह से भक्तों की मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए भीड़ लगी रहती है और यहाँ भक्त हल्द्वानी से ही नहीं बल्कि पूजा अर्चना करने के लिए दूर दूर से आया करते हैं। भक्तों की मुराद पूरी होने के बाद भक्त यहाँ शिव पर दूध आदि चढ़ाया करते हैं। यहाँ के पुजारी पंडित हरीश जोशी ने बताया कि यह मंदिर प्राचीन मंदिर है जो 150 साल पुराना है। जब हल्द्वानी में इतनी आबादी नहीं थी तब से यह प्राचीन मंदिर है। इस मंदिर में जिस भी भक्त ने सच्चे मन से भगवान शिव से मुराद मांगी, भगवान शिव ने उनकी मुरादें जरूर पूरी की। पीपल के पेड़ के नीचे दिया जलाने से भक्तों की सभी मनोकामना पूर्ण होती है और तभी यहाँ भक्त रोज अपनी मनोकामना मांगने के लिए आते हैं। मंदिर में भगवान शिव की मूर्ति के साथ साथ भगवान हनुमान और भगवान राधा कृष्ण और भगवान शनि भगवान की भी यहाँ पर मूर्ति स्थापित की गई है। भक्त मंदिर पर आकर रोज पूजा अर्चना करते हैं और यहाँ मंदिर में हजारों की संख्या में रोज आते हैं। आगे पंडित जी ने ज्यादा जानकारी देते हुए क्या कहा, आप खुद सुनिए। 150 वर्ष पुराना जो है ये पीपल का वृक्ष है और इसमें ये भगवान जी का शिव परिवार माँ भगवती की ये सभी जो है, पहले तो पुराना मंदिर था, प्राचीन मंदिर कहा जाता है इसको भी। तो ये आसपास के सभी लोग जितने मुखानी क्षेत्र के हैं, ये मुखानी क्षेत्र में है, चौराहे पे है, तो सभी लोग जो है यहाँ के जो है जितने भी दर्शनार्थी हैं, पुराने लोग जितने हैं, वो सब तब से इसको पूछते हुए आए हैं। अभी वर्तमान में जो है लगभग 7 साल हो गए इसको जो है बहुत बड़ा जीर्णोद्धार हुआ, जिसको दूसरे तरीके से बनाया गया, नए तरीके से बनाया गया। तो ये इसका मानना है कि भगवान शिव जी जो है अक्सर यहाँ साक्षात हैं और पीपल के वृक्ष की कारण जो है भगवान शनि जी की मूर्ति लगाई गई है और इससे भगवान शनि महाराज की पूजा करने से विशेष फल प्राप्त हो जाता है, क्योंकि पीपल के वृक्ष के साथ भगवान शनि महाराज जी विराजी हैं। और यही भगवान शिव जी की भी यही है कि मान्यता कि काफ़ी प्राचीन समय से जो है भगवान ये सब लोग यहाँ पूजन करते हैं। जिस समय यहाँ नहरें हुआ करती थी उस समय भी जो है जब बहुत कम लोग यहाँ रहते थे तो उसमें भी बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पूजन करने के लिए आते थे और बता दें शक्तिपीठ की तरह ही जो इस प्रकार से इसका बड़ा अपना महत्व है और मनोकामनाएँ सबकी जो है यहाँ पूर्ण होती हैं। तो माँ भगवती की है, अब तो सारे देवता हैं, मतलब भैरव देवता हैं कोतवाल और माँ भगवती है, शिव जी हैं सभी जो है, और हमारे स्टे उत्तराखंड में जो गोलू देवता हैं ये इनकी भी यहाँ जो है मूर्ति रखी गई है। बाकी राधा कृष्ण हैं और लक्ष्मीनारायण भगवान हैं, हनुमान जी हैं, ये सब देवताओं का जो है यहाँ मूर्ति की जो स्थापना की गई है। ये मंदिर प्राचीन मंदिर है, शिव का मंदिर, और लगभग 150 साल पुराना मंदिर है और सभी लोग यहाँ पर पूजा अर्चना के लिए आते हैं और जो भी यहाँ पर अपनी मनोकामना रखता है भगवान से उसकी पूर्ण करते हैं। उत्तराखंड के हल्द्वानी से न्यूज़ 18 लोकल के लिए पवन सिंह कुंवर की रिपोर्ट।